आज हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट और एक बिजनेस मॉडलों के बारे में कहानी सुनेंगे। एक गांव था जिसमें मोस्टली लोग अनएम्प्लॉयड थे। गांव के आसपास एक जंगल था। जंगल में बहुत सारे बंदर रहते थे। एक बार एक कंपनी आया और कंपनी ने लोगों को ऑफर दिया कि बंदर पकड़िए, एक बंदर पे आपको 10 रुपए देंगे। चूंकि अनएम्प्लॉयमेंट था तो लोग टूट पड़े बंदर पकड़ने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से जोश में शुरू में लोग थे। वो आधे बंदर पकड़ते पकड़ते, तो आधी संख्या जब हो चुकी थी, आधे बंदर जब पकड़े जा चुके थे, तब लोगों का धीरे धीरे उत्साह भी खत्म होने लगा। हर बिजनेस में यही होता है कि बिजनेस शुरू में जिस रफ्तार से चलता है, उसके बाद अब अगर नए आइडियाज नहीं लगाया जाए तो उसकी रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है। तो इसके साथ भी यही हुआ। अब कंपनी ने फिर से ऑफर निकाला कि बंदर पकड़िए और एक बंदर पे 40 रुपए ले जाइए। अब लोगों को लगा कि 10 रुपए का बंदर जो है वो 40 रुपए पकड़ने पे मिल रहा है, यानी 4 गुना। फिर लोग पकड़ना स्टार्ट किए। बंदर पकड़ना मुश्किल काम है, किसी का हाथ छिलाए, किसी का पैर छिलाए, इस तरह से होने लगा। इस तरह से अमूमन पूरा जंगल के सारे बंदर उन लोगों ने पकड़ के कंपनी को दे दिया। अब चूंकि बंदर भी नहीं था, लोगों का उत्साह भी खत्म होने लगा। अब कंपनी ने एक ऑफर निकाला कि एक बंदर पकड़िए, 200 रुपए ले जाइए। गांव वालों को बुला करके कंपनी के मालिक जो थे, उन्होंने ये ऑफर दिया और बोला कि 2-4 दिन के लिए हम दूसरे राज्य में जा रहे हैं, बंदरों को बेचने के लिए हम आएंगे तो आपको पैसे दे देंगे। और अपने मैनेजर को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जितने भी गांव वाले थे उनसे बोला कि आप बंदर लेकर के आइए, इनसे 200 रुपये कैश ले जाइए। कंपनी का जो है ना पेमेंट बहुत अच्छा था। बंदर पकड़ते के साथ तुरंत उनको पैसे मिल जाते थे गांव वाले को, तो अगले का क्रेडिट भी बहुत अच्छा था। अब चूंकि बंदर था नहीं है, लोगों में उत्साह भी बहुत ज्यादा आ गया, क्योंकि 10 रुपए का बंदर 200 रुपए मिल रहा है प्रति बंदर, 20 गुना ज्यादा। लोगों में बेचैनी भी बढ़ने लगा, चूंकि बंदर तो था नहीं जंगल में। अब ग्रामीणों को बुला करके मैनेजर ने एक आइडिया सोचा है कि मालिक तो है नहीं, आप ऐसा कीजिए एक एक बंदर ले जाइए यहां से, जो बंदर आप पकड़े हैं उस सब बंदर को 100-100 रुपए प्रति बंदर हम बेचेंगे। मालिक को बोल देंगे कि वो किसी तरीके से पिंजरा वगैरह टूट गया और बंदर से सारे बंदर भाग गए, और आप ऐसा कीजिएगा एक बंदर पे हमको 5 रुपए दे दीजिएगा, यानी कि 105 रुपए में ये तय हुआ। अब ग्रामीणों में होड़ लग गया, क्योंकि इस बार बंदर पकड़ने का भी टेंशन नहीं था, वो एफर्ट भी नहीं लग रहा था। लोगों में भीड़ लग गया, लाइन लग गया, किसी को 10 बंदर चाहिए था, किसी को 15 बंदर चाहिए था, किसी को 20 बंदर चाहिए था। लोग ने अपने पैसे के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट किया। मैनेजर बोला 3 दिन बाद मालिक आएंगे, तो आप लोग 3 दिन बाद आकर के पेमेंट ले जाइएगा। और उसने 100-105 रुपए के हिसाब से सारे बंदर कैश में बेच दिए। 3 दिन बाद जब ग्रामीण अपना पेमेंट लेने आते हैं, तो ना ऑफिस था, ना ही मैनेजर थे, ना ही मालिक था, और ना ही होर्डिंग था उस कंपनी का। कोई कंपनी का बैनर पोस्टर कुछ भी नहीं हो। ठीक है, अब ग्रामीण सिर पटकते रह गए कि ग्रामीणों ने उतना समय भी इन्वेस्ट किया, हाथ पैर भी छिलाया, ग्रामीण बंदर भी खुद ही पकड़े। ठीक है, और फिर उनके साथ एक चीट हो गया। आप सोच लीजिए औसतन उस बंदर का कीमत कितना रहा होगा, 25 से 30 रुपए। बंदर बेचा कंपनी ने कितना में, 105 रुपए। कंपनी ने सिर्फ आइडिया लगाया, कुछ किया नहीं। ठीक है, सिर्फ कारण क्या था चीट होने का, क्योंकि लोगों को बिना मेहनत का 20 गुने ज्यादा पैसा चाहिए था। तो इंडिया वर्ल्ड में कई ऐसी कंपनियां हैं, यानी बहुत सारे ऐसे कंपनियां इसी कंसेप्ट पे चल रहा है, जो नेटवर्किंग वगैरह के कंसेप्ट पे चल रहा है, या अदर इमेजिनरी आइडियाज के थ्रू चल रहा है, बहुत बड़े ऑफर के थ्रू, लॉटरीज वगैरह, सब तो यही इसी कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। लोगों को अनरियलिस्टिक ऑफर दिया जाता है और लोग
लोग जो है बिना मेहनत का बहुत सारे बड़े ख्वाब पूरा करना चाहते हैं और उसमें वो फंसते हैं। कम उम्र के कई बच्चे हम देखे हैं कि इन जाल में फंस जाते हैं। उस ट्रैप में फंसने का वजह होता है, लोगों का ख्वाब बहुत बड़ा है और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो एफर्ट चाहिए, जो प्लानिंग चाहिए, वो लगाना नहीं चाहते हैं। लेकिन ख्वाब तो सबको देखना है और ख्वाब देखना अच्छी बात है, क्योंकि आपको अगर कुछ बड़ा करना है तो आपको तो सपने देखने पड़ेंगे। लेकिन सपने की को रियलिटी में बदलने का एक एग्जीक्यूटिव प्लान होता है, एक स्ट्रैटेजी होता है, मेहनत लगता है, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। नेटवर्किंग कंपनियां जो है ना, भारत जैसे देशों में ये नेटवर्किंग कंपनियां ही क्यों बोले हैं, बहुत सारी कंपनियां, लॉटरीज वगैरह बहुत सारी कंपनियां हैं जो भारत जैसे देशों में जहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट का स्तर बहुत ज़्यादा है और शिक्षा की गुणवत्ता उतनी स्तर पे नहीं है कि लोगों के सपने साकार हो सके, तो बड़े बड़े ऑफर्स निकालते हैं और युवाओं को और दूसरे लोगों को वो फंसाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आप जो भी कम उम्र के बच्चे होंगे वो सपने देखिए, लेकिन उस सपनों को पूरा करने का एक फुल प्रूफ प्लान बनाइए, उसको एग्जीक्यूट कीजिए, एफर्ट लगाइए, मेहनत कीजिए। शॉर्टकट में भरोसा नहीं कीजिए कि बिना मेहनत का हमको कोई चीज़ मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट वीक मिलते हैं हम लोग।